Hello students, good morning. After your summer vacation, we all have to focus again in our study. You have passed standard 2nd, so now you all are in standard 3rd. So now we are going to start our today's work. Standard 3, subject Math Magic Workbook. We will start from 2nd chapter, Fun with Numbers. Question number 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर. देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, वहां पे ये देखो एक टर्मन का ट्री है, फिर बर्ड्स है और चिल्ड्रंस है. और चिल्ड्रंस है ना, उस सीड्स है, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है. तो चलो देखते हैं कि किसने कितने सीड्स कलेक्ट किए हैं. तो देखो फर्स्ट है जीनल. आई हैव पिक्ड 26 सीड्स. इट मीन्स कि ये जो जीनल है उसने कितने कलेक्ट पिक्ड किए हैं, 26 सीड्स. फिर मिनल. मिनल सेड आई कलेक्टेड 42 सीड्स. ये जो मिनल है उसके पास कितने हैं, 42 सीड्स है. फिर सुनील सेड हियर आर माय 39 सीड्स. मीन्स के सुनील है उसके पास 39 सीड है. फिर है स्नेहा. I collected 48 seeds. ये जो स्नेहा है उसके पास 48 seeds है. फिर है नमित. नमित said I collected 44 seeds. Means के जो नमित है उसके पास 44 seeds है. ओके, तो देखा ना, they all have seeds in different number. तो अब नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो चलो उसे हम सोल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, Who collected the most seeds? अब हमें अब यहाँ पे देखना है कि किसने सबसे ज्यादा यानी कि most seed collect किए हैं. तो देखो इसने 26 किए हैं, इसने 42, सुनील ने 39, इसने 44 और स्नेहा ने 48. मीन्स के 48 है सीड सबसे ज्यादा है, तो वो किसने किए हैं, स्नेहा ने. सो यहाँ पे आएगा स्नेहा. हाउ मेनी यानी कि कितने किए हैं, कितने किए थे, 48. सो यहाँ पे आएगा 48. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु कलेक्टेड द लिस्ट सीड्स. इट मीन्स के इनमें से किसने सबसे कम सीड्स कलेक्ट किए हैं. तो चलो इनमें से देखते हैं कि किसने कम किए हैं. तो ये रहा 26 सीड्स है वो कम है, तो किसने किया है, जिनल ने. सो लिस्ट सीड है वो किसने किया है, जिनल. फिर है हाउ मेनी यानी कि जिनल ने कितने किए हैं, 26. सो यहाँ पे आएगा 26. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीड्स विथ जिनल एंड स्नेहा. यानी कि जिनल और स्नेहा का टोटल सीड्स मिलाकर कितने होते हैं. तो चलो पहले देखते हैं कि जिनल के कितने हैं, 26 और स्नेहा का 48. इट मीन्स के 48 प्लस 26 कितने होते हैं, 74. यानी कि इन दोनों के सीड्स को मिलाकर कितने हुए, 74. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीड्स विथ मिनल एंड नमित. अब मिनल एंड नमित का टोटल सीड्स कितने हुए वो देखना है. तो नमित का कितना है, 44 और मिनल का 42. तो 42 प्लस 44 कितने हुए, 86. इट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ सीड्स विथ मिनल एंड नमित इज 86. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मोर सीड्स डू सुनील हैव कंपेयर टू जिनल. नाउ अब है कि ये जो नमित है उसने जिनल की कंपैरिजन में कितने सीड्स ज्यादा कलेक्ट किए हैं वो कहना है. तो जिनल के कितने थे, 26 थे और नमित के थे 44. सो 44 माइनस 26 तो कितने हुए, 13. यानी कि सुनील ने जिनल की कंपैरिजन में 13 सीड्स ज्यादा कलेक्ट किए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लेस सीड्स डू नमित हैव कंपेयर टू स्नेहा. यानी कि नमित ने स्नेहा की कंपैरिजन में कितने सीड्स
कम किए हैं वो बोलना है। तो देखो नमित है उसके कितने हैं 44 और स्नेहा के थे 48, मीन्स के 48 माइनस 44 तो कितने हुए 4 सीड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सीड, इट मीन्स के जो नमित है उसने स्नेहा की कंपैरिजन में 4 सीड्स कम किए हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मोर सीड्स डू जिनल नीड टू हैव 30 सीड्स। यानी कि जिनल को 30 सीड्स कलेक्ट करने के लिए और कितने सीड्स चाहिए। सो 30 जिनल के थे 26 और 30 है इसीलिए 30 माइनस 26 सो आंसर इज 4। सो यहाँ पे आएगा 4, यानी कि जिनल को 30 सीड्स करने के लिए और 4 सीड्स चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मोर सीड्स डू नमित नीड्स टू हैव 50 सीड्स। यानी कि ये जो नमित है उसको 50 सीड्स कलेक्ट करने के लिए और कितने सीड्स चाहिए। तो यानी कि 50 माइनस 44 सो कितने हुए 6, यानी कि नमित है उसको 50 सीड्स कलेक्ट करने हैं तो 6 सीड्स और चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स। यानी कि इनमें से जो 40 से ज्यादा सीड्स है कलेक्ट करने वाले बच्चे कितने हैं वो हमें देखना है। तो देखो ये एक मिनल है, फिर स्नेहा है और नमित है, यानी कि ये जो थ्री बच्चे हैं उन्होंने 40 से ज्यादा सीड्स कलेक्ट किए हैं। सो यहाँ पे आंसर इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर कलेक्टिंग द टोटल सीड्स विथ नमित एंड स्नेहा हाउ मेनी मोर सीड्स डू हैव डू दे नीड टू मेक इट 100। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नमित एंड स्नेहा का टोटल सीड्स कलेक्ट करना है, देख नंबर करेंगे। देखो नमित के कितने थे 44 और स्नेहा के कितने थे 48, सो इन दोनों को पहले हम ऐड कर देंगे 48 माइनस 44 सो कितने हुए 92। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं अभी 92। अब हमें आगे क्या करना है कि हाउ मेनी मोर सीड्स डू दे नीड टू मेक इट 100, यानी कि इन दोनों को 100 सीड्स कलेक्ट करने के लिए और कितने सीड्स चाहिए। तो 92 तो थे, तो 100 माइनस 92 कितने हुए 8, यानी कि इन दोनों को और 8 सीड्स कलेक्ट करने होंगे तो 100 होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द टेस्ट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया पाकिस्तान रन्स मेड बाय इंडियन बैट्समैन इन देयर फर्स्ट इनिंग्स आर गिवन बिलो, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। अब यहाँ पे देखो ये टेबल है, उसमें फर्स्ट ए प्लेयर के नेम है, हमारे जो प्लेयर्स है उसके नेम दिए हैं और उसके सामने फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने कितने रन किए हैं वो दिए है, और यहाँ पे जो कमेंटेटर है उसकी कमेंट्स है। तो चलो फर्स्ट हम ये टेबल देखते हैं, प्लेयर नेम फर्स्ट है विराट, सो ये जो विराट है उन्होंने कितने रन किए है 96 रन किए है। फिर है शिखर, तो शिखर है उन्होंने कितने रन किए है 90 रन। फिर है रोहित, रोहित ने किया है 89। फिर सुरेश ने किया है 38 रन। और धोनी है, जो धोनी ने कितने रन किए है 47। अब ये देखो ये बोल रहा है कि विराट इज आउट एट 96 रन, यानी कि जो हमारा विराट है वो 96 रन से आउट हो गया है। सो ये बोल रहा है कि विराट इज आउट एट 96 रन। अब तो ये पूछ रही है कि डिडंट ही स्कोर अ सेंचुरी, क्या वो सेंचुरी नहीं की, क्या पूछ रही है कि उसने सेंचुरी नहीं की। तो नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर है, तो वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु स्कोर द हाईएस्ट रन्स, यानी कि हमें देखना है कि किसने सबसे ज्यादा रन किए हैं। तो देखो यहाँ पे किसने किए हैं, विराट कोहली ने कितने किए हैं 96 रन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विराट, और हाउ मेनी तो कितने थे 96 रन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु स्कोर्ड द लोवेस्ट रन्स, यानी कि किसने सबसे कम रन किए हैं। तो इनमें से देखो सबसे कम कितने किए हैं, सुरेश ने,
और फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी, यानी कि कितने कम किए हैं, 38। सो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सुरेश इन्होंने कम किए थे ना, और हाउ मेनी कितने किए थे, 38 रन किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रन्स डिड विराट नीड्स टू कंप्लीट अ सेंचुरी। सेंचुरी यानी कि 100 रन्स, यानी कि विराट को 100 रन करने के लिए और कितने रन की जरूरत पड़ती है, तो विराट के 96 थे तो 100 माइनस 96 तो कितने हुए, 4, तो यहाँ पे आएगा 4, यानी कि विराट को और 4 रन की जरूरत है सो वो सेंचुरी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टोटल रन्स आर मेड बाय धोनी एंड सुरेश, यानी कि धोनी एंड सुरेश के टोटल मिलाकर कितने रन होते हैं, तो देखो धोनी के 47 और सुरेश के 38, यानी कि 47 प्लस 38 सो कितने हुए, 85, सो यहाँ पे आएगा 85, यानी कि धोनी एंड सुरेश के टोटल रन्स 85 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी रन्स डिड रोहित नीड्स टू कंप्लीट अ सेंचुरी, यानी कि रोहित को सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए और कितने रन चाहिए, तो रोहित के थे 89, सो 100 माइनस 89 तो कितने हुए, 11, यानी कि रोहित को सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए और 11 रन चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी रन्स डिड सुरेश नीड टू कंप्लीट 50, यानी कि हाफ सेंचुरी, यानी कि जो सुरेश है उसे हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए और कितने रन चाहिए, यानी कि 50 माइनस 38 तो कितने हुए, 12 रन, सो यहाँ पे आएगा 12 रन, यानी कि जो सुरेश है उसे और 12 रन चाहिए उसे हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इज द टोटल रन्स मेड बाय धोनी एंड शिखर मोर और लेस कंपेयर टू टोटल रन्स मेड बाय विराट एंड सुरेश, हाउ मेनी। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, धोनी और शिखर के जितने रन थे उसका टोटल करेंगे, तो देखो शिखर के थे 90 और धोनी के है 47, तो इन दोनों को मिलाकर कितने हुए, 137, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 137। ओके, अब हम करेंगे विराट और सुरेश का, यानी कि विराट का था 96 और सुरेश का था 38, तो 96 प्लस 38 कितने हुए, 134, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 134। अब हमें क्या करना है कि देखो ये जो टोटल कितने किसके थे, विराट और सुरेश के, सो देखो विराट और सुरेश है ना, उसकी कंपैरिजन में ये जो धोनी और शिखर के रन थे ना वो ज्यादा थे, यानी कि मोर थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस यहाँ पे आएगा मोर, और हाउ मेनी यानी कि कितने, तो इन दोनों को चलो माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 और यहाँ पे 0, यानी कि 3, यानी कि इन दोनों के कंपैरिजन में इन लोगों ने 3 रन ज्यादा बनाए हैं, सो यहाँ पे आएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड रन्स मोर देन 80, यानी कि यहाँ में 80 से ज्यादा रन किसने बनाए हैं वो हमें देखना है, तो चलो इनमें से देखते हैं। देखो इसने बनाए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों ने नहीं किए, मीन्स ये जो 3 प्लेयर्स है उन्होंने 80 से ज्यादा रन किए हैं, सो यहाँ पे आएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड रन्स लेस देन 50, यानी कि 50 से भी कम रन कितने प्लेयर ने किए हैं, तो देखो इन ने तो ज्यादा किए हैं, इन दोनों ने 50 से भी कम रन किए हैं, सो 2 प्लेयर्स, सो यहाँ पे आएगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी रन्स डिड धोनी नीड टू कम्प्लीट अ हाफ सेंचुरी, यानी कि धोनी को हाफ सेंचुरी करने के लिए और कितने रन की जरूरत है, यानी हाफ सेंचुरी मीन्स 50, यानी कि 50 माइनस 47 तो कितने हुए, 3, सो यहाँ पे आंसर आएगा 3, मीन्स के धोनी को और 3 रन की जरूरत है हाफ सेंचुरी बनाने के लिए।
अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है? थैंक यू।